वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक ऐसे डिजाइन जिसको बनाने के लिए आपको सिर्फ एक ही नोजल का ही जरूरत पड़ने वाली है। तो वो कौन सी नोजल है उसके बारे में तो मैं बाद में बात करूंगी, मगर ये तो बता सकती हूँ कि ये वीडियो बिगिनर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। और इसी वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ एक स्पेशल ट्रिक, तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं जिस नोजल के बारे में शुरू से बात कर रही थी वो है सबका चहेता सबका पसंदीदा ये N1 नोजल। ओके नाउ लेट मी फोकस। अगर आप इसका टिप पोर्शन अच्छे से देख रहे हो तो इसका कर्व्स जो है वो बहुत ही डीप है, और इसकी वजह से ही जो भी आप डिजाइन इस नोजल से बनाते हो, कोई भी बॉर्डर हो या भी कोई फ्लावर्स हो, कुछ भी हो, बहुत ही ब्यूटीफुली वो अच्छे से बनते हैं इसके कर्व्स के वजह से। अगर आपको बेकिंग करना अच्छा लगता है या फिर केक डेकोरेट करना अच्छा लगता है और आपके पास कोई नोजल हो ना हो, आप ट्राई कर सकते हो कि आपके पास ये एक नोजल जरूर हो। N1 नोजल के मैं बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि सिर्फ ये छोटू सा नोजल से ना आप बहुत सारे वैरायटीज ऑफ डिजाइन बना सकते हो इजीली। इसको आप ऑनलाइन भी ले सकते हो, कोई भी ब्रांड का आप ले सकते हो, सबसे रिजल्ट सेम ही मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं इस नोजल से मैं कैसे काम करती हूँ। तो पहले तो मैं यहाँ पर ये डिस्क्लेमर देने वाली हूँ कि जिस वक्त मैं इस केक को बना रही थी उस वक्त मेरे पास ना कोई क्लीन केक बोर्ड नहीं था, इसलिए मैं एक लोकल बेकरी का केक बोर्ड यहाँ पर यूज कर रही थी, मगर बाद में मैं इसको चेंज कर दूंगी। तो मैंने क्रम कोटिंग के लिए यहाँ पर यूज किया है चॉकलेट क्रीम। तो चॉकलेट क्रीम मतलब जस्ट क्रीम पे मैंने चॉकलेट गनाश को डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया, और क्रम कोटिंग के बाद मैंने इसको रेफ्रिजरेट किया है फॉर 1 to 3 hours। उसके बाद मैं इसकी फाइनल फ्रॉस्टिंग कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर टर्क्विश कलर का यूज किया है और मैं हमेशा जेल कलर का ही यूज करती हूँ। ऊपर का पार्ट तो मेरा कवर हो गया है, अब बारी है साइड्स की। तो सेम स्पैचुला से मैं साइड्स को धीरे धीरे कवर करती हुई जा रही हूँ। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ता है कि इस वक्त आप ज्यादा हार्डली कुछ मत कीजिए, नहीं तो क्रम कोटिंग के वक्त आपने जो क्रीम यूज किया था वो निकल के बाहर चला आता है। तो बहुत ही जेंटली आपको ये प्रोसेस करना होता है, जैसे कि आप ब्रेड के ऊपर बटर लगा रहे हो, सेम प्रोसेस से आपको यहाँ पर क्रीम को अप्लाई करना पड़ता है। टॉप पार्ट में जितनी भी एक्सेस क्रीम है मैं उसको हटा रही हूँ स्क्रैपर से बहुत ही जेंटली, और साइड्स के भी मैं हटाऊंगी स्क्रैपर की मदद से। स्क्रैपर से साइड्स के पार्ट बहुत ही क्लीन हो जाते हैं और स्मूथ सा एक फिनिश भी आ जाता है। वीडियो के इंट्रो में मैंने ये कहा था कि आज मैं एक स्पेशल ट्रिक आप सबसे शेयर करने वाली हूँ। तो कभी कभी ये होता है कि फाइनल फ्रॉस्टिंग के टाइम क्रीम की जो लेयर है वो इवन आउट नहीं होती, उस वक्त आपकी जो काम में सबसे ज्यादा मदद कर सकती है वो है पानी। यस यू हियर इट राइट, इट्स वाटर। तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, हर एक बार मैं स्पैचुला को पानी में डिप कर रही हूँ, उसके बाद उस गीला स्पैचुला को मैं क्रीम के ऊपर रन कर रही हूँ। वाटर की वजह से, पानी की वजह से क्रीम मेल्ट होता जा रहा है थोड़ा सा, इसलिए सरफेस भी इवन आउट हो गया है। देखा ना मेरा पहले क्या था अब क्या है। फ्रॉस्टिंग के काम के बाद अब बारी है केक को शिफ्ट करने की। केक के एकदम नीचे से मैंने एक स्पैचुला को घुसा दिया है, हल्के से केक को लिफ्ट करके एकदम फटाफट से न्यू केक बोर्ड में मैंने केक को शिफ्ट कर दिया है। 2-3 बार प्रैक्टिस करने के बाद आपको भी ये प्रोसेस इजी लगने लगेगी।
पाइपिंग बैग में मैंने यहाँ पर ले लिया है दो कलर की क्रीम, पिंक एंड येलो, और ये है मेरी इन वन नोजल। फोकस में नहीं आ रहा था, पता नहीं क्या शर्मा गया था और कुछ हाँ अब अरे यार हाँ आ गया है फोकस में। आपको इस तरह से बीच में हल्का सा प्रेस करना है और एक राउंड घुमा के साइड्स में बस छोड़ देना है। बस हो गया एक प्यारा सा रोज। दूसरा करके दिखा रही हूँ, इसे हल्के से प्रेस कीजिए, राउंड घुमाइए और साइड्स में छोड़ दीजिए। इस पार्ट की वीडियो मैं नॉर्मल स्पीड पे ही रख रही हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सको। 5-6 बार अगर आप इस रोजेस को प्रैक्टिस करते हो तो इस रोजेस की जो पैटर्न है आपके हाथ में अच्छे से आ जाएगी। रोजेस के बाद बाकी की जगह मैं बना रही हूँ छोटे छोटे से फ्लावर सेम नोजल से। सिर्फ मैं इस नोजल को प्रेस कर रही हूँ और लिफ्ट कर रही हूँ, प्रेस एंड लिफ्ट। तो मैंने पहले ये कहा था कि इन वन नोजल्स के टिप में डीप कट्स होते हैं, इसलिए आप देख सकते हो यहाँ पर फ्लावर्स पे भी बहुत अच्छे से डीप कट्स आए हैं। सेम फ्लावर मोटिव से मैं यहाँ पर बॉर्डर बना रही हूँ। मुझे पर्सनली ये लगता है कि अगर अच्छे से किसी केक का भी बॉर्डर बनाया जाए तो उसका लुक कंप्लीट होता है। तो ये एक ब्राइड टू बी केक था, तो इसलिए मैंने बीच में फोंडेंट से मिस टू मिसेस ये लिख दिया था। रोजेज के ऊपर मैंने पाउडर रेड कलर डस्ट कर दिए थे, पता नहीं ये डिसीजन राइट था कि या रॉन्ग, व्हाटएवर। लास्ट में मैंने ब्राइट टू बी टैग ऐड कर दिया था और नाउ इट्स कंप्लीट। फुल लुक यहाँ पर आपके सामने है, कैसी लगी ज़रूर बताइए। मैंने सिर्फ एक नोजल का ही यहाँ पर यूज़ किया है, हो सके तो इस नोजल को ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए। This is all about N1 nozzle. I hope कि ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए नेक्स्ट वीडियो में आप क्या देखना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं मुझसे, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। It means a lot to me. I'll see you next time. Until then, keep baking. Bye.